अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फ्रेंड्स टू ऑल व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत दिनों बाद आज फिर से एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद आई हूँ, उसके लिए माजरत, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी जिस वजह से वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अभी कोशिश करूँगी कि रेगुलर अपडेट हो। स्टार्ट करते हैं पहले और प्यारे से डिज़ाइन से। वन प्रिंट का ये ड्रेस है। इस तरह से इसकी नेक लाइन को पहले स्लिट बनाई है, स्लिट के अंदर जो हमने इसके अंदर भी जॉइनिंग ड्रेस ऐड की है, और साइड पे बॉट कॉलर स्टाइल में इसका नेक लाइन बनाया है, उसके अंदर भी जॉइनिंग ड्रेस है। वो दोनों जॉइनिंग ड्रेसेस डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। ऊपर जो थोड़ी सी हमारी मिल्की लेस वाली है और नीचे कॉटन वाली है, स्लिट में हमने लगाई है थोड़ा सा इसको डिफरेंट टच देने के लिए। इसमें कलर आ रहे हैं, जब आपको करीब से दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट हमारी शर्ट है, तकरीबन 38 इसकी लेंथ थी, बिल्कुल स्ट्रेट है। जो स्लिट में हमने शॉकिंग पिंक कलर की फैशन पट्टी ऐड की है स्लिट में, और दामन में बैक साइड पे भी इसी तरह से ही है। ऊपर से राउंड नेक है जो बैक साइड का नॉर्मल ही होता है, इसी तरह से ही, और नीचे से इसी तरह से स्लिट और दामन में हमारी शॉकिंग पिंक कलर की फैशन पट्टी हमने ऐड की है। जस्ट फैशन पट्टी है, इसमें और कोई ऐसी मटेरियल इस तरह से कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल सा रेगुलर के हिसाब से ही है क्योंकि समर वेयर है, उस हिसाब से प्लेन प्लेन और लाइट सी डिटेलिंग। दो तरह की जॉइनिंग लेस जो हमने नेकलाइन पर ऐड की थी वही हमने स्लीव पर यूज़ की है, पहले नीचे छोटी वाली कॉटन वाली, फिर ऊपर थोड़ी सी मिल्की वाली, और ऊपर दो पिनटेक्स ऐड कर दी हैं। नॉर्मल इसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 6 इंचेस की इसकी वर्थ थी, बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव से। ट्राउज़र भी इसके साथ स्मार्ट कैप्री है इसके साथ, जिसका पैंचा तकरीबन 6.5 इंचेस है। ऊपर से बैक प्लास्टिक, फ्रंट प्लेन नॉर्मल है, स्ट्रेट फिटेड ट्राउज़र है, बहुत ही प्यारा सा और डिसेंट से इसकी डिज़ाइनिंग है। इसके बाद ये हो गया इसका ऑल ओवर लुक। नेकलाइन आपको करीब से दिखा दूं कि जब आपने पहना हुआ होगा इसका जो नेकलाइन है वो बॉट स्टाइल में भी है और कॉलर स्टाइल में भी या बैंड स्टाइल में भी आएगा, और एम्बेलिशमेंट हमने खुद ऊपर लगाई है। अब आप देख लें इसमें जो लाइनिंग आ रही है प्रिंट के अंदर, ये पिस्ता ग्रीन कलर की है, तो इसलिए हमने जॉइनिंग लेस पिस्ता ग्रीन और ग्रीन यूज़ की है दोनों मिक्स के कॉम्बिनेशन में। ये हो गया इसके स्लेट्स और ये प्यारा सा स्मार्ट ट्राउज़र। इसके साथ आप प्लेन शॉकिंग पिंक दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं, और इसके अंदर जो एक पीच सा टच आ रहा है वो वाला भी, जो आपको अच्छा लगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा सफायर का बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, जिसके लिए इस पे हमने इसको हमने झबला स्टाइल थोड़ा सा लुक दिया है, जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट में जो टॉप होता है उस स्टाइल में, ऊपर से हमने जो जेंट्स का जो ऊपर वाला तीरा होता है वो बनाया है हमने, और उसके ऊपर बैक साइड पे भी चुन्नट है, फ्रंट पे भी चुन्नट है। नेकलाइन भी जेंट्स स्टाइल में ही है, डबल पट्टी है, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ा सा लेडीज टच देने के लिए लेस लगा दी है ऑल राउंड, और ऊपर एम्बेलिशमेंट हमने खुद की है। बैक साइड पे भी देख लें चुन्नट्स हैं, फ्रंट में भी उसी तरह से शोल्डर पर चुन्नट्स आ रही हैं, जेंट्स स्टाइल में ऊपर से है और नीचे से बिल्कुल ये स्ट्रेट शर्ट है। अगर हम इसको बिल्कुल बंद रखते तो वो थोड़ी अजीब अजीब लुक आती है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको स्मार्ट टच देने के लिए थोड़ा सा इसको फॉर्मल बना दिया है कि नीचे से स्लिट जो हमने छोटे छोटे से स्लिट बना दिए हैं, तकरीबन 10 इंचेस के इसके स्लिट्स हैं, और ऑल राउंड हमने फिल कर दी है फैशन पट्टी के साथ लेस, जिसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही है। गर्मियों के हिसाब से लूज़ लूज़ कपड़े होते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं तो खुद इसी तरह के पहनना पसंद करती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं बैक साइड की तरफ, बैक साइड भी देखें चुन्नट्स में, प्यारा सा प्रिंट है मल्टी स्टाइल में, और जैसा कि फ्रंट पे दिखाया था फैशन पट्टी के साथ हमारी पर्पल कलर की ही लेस लगाई है हमने ऑल राउंड स्लिट पे और दामन पे। इसके बाद आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ, स्लीव्स इसके फुल लूज हैं, ऊपर से स्ट्रेट हैं, नीचे हल्की सी बेल की शेप आ रही है, पर हमने फैब्रिक एक्सटेंड करके लगाया है तो क्योंकि इसकी लेंथ छोटी हो रही थी, और उसके अंदर फिल कर दी है लेस। अब है इसके साथ का ट्राउज़र, ट्राउज़र को हमने जल्दी जल्दी वीडियो बना रही थी तो इसलिए ट्राउज़र को अच्छे तरीके से हमने प्रेस नहीं किया, लेकिन खैर हमारा मकसद होता है आपके साथ डिटेलिंग शेयर करना, बाद में हम इसको प्रेस करके रख देंगे। ये हो गई डिटेलिंग, ऊपर और नीचे जॉइनिंग लेस है, सेंटर में दो पिनटेक्स का सीक्वेंस है। अगर मैंने ये प्रेस किया होता तो इसकी लुक ही और होती, लेकिन खैर आप लोग समझ जाएंगे डिटेलिंग। प्यारा सा इसका बॉक्स ट्राउज़र है, जिसकी जो लेंथ है पंचे की वो तकरीबन 12 इंचेस है। बॉक्स ट्राउज़र है हमारा ये। इसके साथ का दुपट्टा था, दुपट्टा भी लॉन का ही है,
लेकिन ऑलराउंड हमने इसमें कोई लेस का एडिशन नहीं किया, जस्ट हमने फैशन पट्टी ही लगाई है, ट्राउज़र के फैब्रिक की फैशन पट्टी ऑलराउंड लगा दी है। ये देखें इस तरह से की सारी की सारी फैशन पट्टी लगाई है हमने ट्राउज़र के फैब्रिक की। आप लोग चाहें तो इसी तरह में लेस पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हैवी वेट में हो जाता है इसलिए हमने लेस को अवॉइड किया। ये हो गई इसकी ऑल ओवर लुक। पैन देख लें, पेंट प्लेट्स हैं, चोरी चुनर्स हैं आगे और पीछे। जो बॉर्डर अलग से दिया गया था ऊपर से, ये जो डिटेलिंग की है तीरे की, वो हमने बॉर्डर से की है। ये लेस है, ऊपर मैनेजमेंट खुद लगाई है प्यारी सी बनाकर। और ये हो गया इसका ट्राउज़र का डिज़ाइन, और ये हो गए इसके स्लिट्स। होप्स आपको सेकंड डिज़ाइन भी पसंद आया होगा, प्यारा सा लेकिन सिंपल सा डिज़ाइन है। इस तरह के स्टाइलिश डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं गर्मियों में। इसके बाद बहुत ही प्यारा सा और मेरा फेवरेट कलर है पिंक कलर का ड्रेस है। नेक्स्ट इसका डिटेलिंग भी हमने बहुत ही प्यारी सी की है। इसके हमने शोल्डर्स कर रखे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट शोल्डर होते हैं वही रखे हैं कुर्ता स्टाइल में। इसके अंदर जो शोल्डर के अंदर लेस फिल की है और चाइनीज़ कॉलर बनाया है या ओवरलैप वाला या चाइनीज़ जो भी कह लें। उसके अंदर ऑलराउंड हमने पिंक कलर की फैशन पट्टी ऐड की है और प्यारी सी ऊपर एम्बेलिशमेंट लगा दी है खुद ही बनाकर। मैं ज़्यादातर जो एम्बेलिशमेंट है खुद ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे खुद बनाई हुई अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट के रेडीमेड वाले। इसके बाद नीचे से हल्की सी एयरलाइन शेप दी है, इसके भी छोटे से स्लिट हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, ताकि वो अच्छे से इसकी लुक क्रिएट हो, बहुत ही बन ना अजीब सा लगे। दामन पे हमने पिंक कलर की लेस लगाई है और स्लिट में लाइट सी फैशन पट्टी लगाई है इसके ट्राउज़र के फैब्रिक की। अगेन आपको दिखा रही हूँ बैक साइड भी इसी तरह से है, ओवरलैप वाला जो कि हमने नेक बनाया था वही है। स्लीव्स पे लेस फिल कर दी और दामन पे भी फैशन पट्टी जो लगाई है थोड़ी सी चौड़ी लगाई है क्योंकि ये बहुत लाइट फैब्रिक था, थोड़ा सा हैवी हो जाए इसलिए हमने नीचे फैशन पट्टी थोड़ी सी बड़ी लगाई है। इसके बाद आ जाते हैं इसके स्लीव्स की तरफ। ये भी देखें फैशन पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव्स थी, ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, बैक इलास्टिक है, नीचे से भी प्लेन है, इसका भी बॉक्स ट्राउज़र है। ये भी इसको भी हमने जल्दी जल्दी किया था, इसकी भी प्रेसिंग अभी कंप्लीट नहीं थी। और इसके बाद आ जाते हैं इसके प्यारे से दुपट्टे की तरह। दुपट्टा इस तरह से मल्टी कलर का दुपट्टा है पिंक के साथ और उस पर हमने फैशन पट्टी लगा दी थी पिंक कलर की। ये हो गई ऑल ओवर लुक है हमारा चाइनीज़ कॉलर या फिर ओवरलैप भी कह सकते हैं। उसके ऊपर प्यारी सी एक्सेसरीज हैंडमेड हैं सारी की सारी। और जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी आपको कहा था कि स्क्वायर कुर्ता वाली स्लीव्स हैं, नीचे के जो चौक हैं वो छोटे छोटे से हैं। बॉर्डर पे हमने थोड़ा सा जो नीचे दामन पे थोड़ा सा मोटा हमने 3 से 4 इंच का बॉर्डर लगाया था कि थोड़ा सा फॉल आ जाए क्योंकि कपड़ा बहुत ही लाइट था, बहुत हल्का था इसलिए। नेक्स्ट डिज़ाइन है प्यारा सा था, इसकी जो डिटेलिंग वीडियो थी वो मुझसे गुम हो गई है या मे बी डिलीट हो गई हो, लेकिन इस तरह से शॉर्ट वीडियो पड़ी है उसमें आपको डिटेलिंग समझाना मकसद था। ये भी स्क्वायर वाली हमारी कुर्ता स्टाइल है, छोटी इसकी लेंथ तकरीबन 33 थी। नेक की डिटेलिंग देख लें, प्यारी सी लाइलैक कलर का हमारा ये फैब्रिक है। नीचे से जो दामन है वो हल्का सा राउंड है, उसके अंदर सिल्वर कलर की, ये पूरा का पूरा इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग वाला काम किया है सिल्वर कलर में, तो हमने इसलिए लेसेस भी सिल्वर कलर की यूज़ की हैं। ये हो गई इसकी डिटेलिंग। और ये इसके साथ जो शलवार बनाई थी हमने वो बेल्ट वाली शलवार बनाई थी, जैसा कि फ्रंट पे बहुत सारी चुनर्स आती हैं, बैक पे नहीं होती, बड़ी प्लेट साइड पे होती है। आई होप आपको आज की डिजाइन पसंद आई होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।